वो महिला जिसको प्रेगनेंसी में गोल गप्पे चटपटा खाने का मन नहीं करता, तीखा चटपटा करारा बहुत अच्छा लगता है। और इवन जब आप सड़क पर कहीं जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, स्ट्रीट फूड के आप स्टॉल्स देखते हैं तो आपका बहुत मन हो जाता है। बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्ट्रीट फूड को खाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसके रिपरकशंस काफ़ी अलग तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि हाइजीन की गारंटी नहीं होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम आज की वीडियो में जानेंगे और इनोवेटिव आइडिया बताऊंगी ताकि आप तीखा करारा चटपटा सब कुछ एंजॉय कर सकें अपनी प्रेगनेंसी में। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आपको ये चैनल कैसा लगता है, आपको हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं, अपने विचार अपना प्यार हमें कमेंट में आप जरूर लिख के बताएं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रीट फूड प्रेगनेंसी में खाना सेफ नहीं है और ये सलाह हम आपको नहीं देंगे, लेकिन आपको खाने का मन करता है तो हम इसके लिए आपको बहुत इनोवेटिव आइडियाज जरूर बताएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता और नहीं खा पा रहे हो तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा और आप भी इनको ट्राई जरूर करेंगे। तो गोल गप्पे हैं, कोई भी स्ट्रीट फूड है, वो कैसे प्रिपेयर किया गया है, हाथ साफ है नहीं है, अच्छे से प्रोसेसिंग में उसको वॉश किया गया है, साफ बर्तनों में बनाया गया है, किसी हार्मफुल केमिकल का यूज़ किया गया है या नहीं, ये सब कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो इसलिए प्रेगनेंसी में कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और पेट का इन्फेक्शन अगर हो गया तो एंटीबायोटिक दवाएँ डॉक्टर नहीं लिख सकते, इससे बच्चे में डिफेक्ट आने का खतरा होता है। तो केवल आपको प्रोबायोटिक दी जाती है, हाइड्रेशन बढ़ाया जाता है और लंबे समय तक पेट के इन्फेक्शन बने रहते धीरे धीरे जाते हैं। इतने समय में आप बहुत परेशानी झेल चुकी होती हैं, कमजोरी आ जाती है, ये सब कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का नहीं खाना है, जो खाना आप घर में बनाएं। देन स्ट्रीट फूड, स्पेशली गोलगप्पे की क्रेविंग बहुत होती है महिलाओं को, चाट की गोलगप्पे की। तो गोलगप्पे आप मार्केट से ला सकते हो, ड्राइड गोलगप्पे भी आते हैं जो कि आप घर में तल के उसको इंस्टेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा बात आती है फिलिंग की, तो फिलिंग का मसाला आप प्रिपेयर कर सकते हैं घर में, और जल जीरा पुदीना का पाउडर मिला के आप पानी प्रिपेयर कर सकते हैं और घर में इंजॉय करें। याद रखें कि उसमें ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं, मॉडरेट टेस्ट में कभी कभी खाना है तो आप उसको डाल सकते हैं। ज़्यादा मिर्च खाने से आपको गैस होगी, ब्लोटिंग होगी और आपको उल्टी आ सकती है, नोजिया वोमिटिंग ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए गोलगप्पे घर में इंजॉय करें, चाट को घर में इंजॉय करें। जब भी आप छोले की सब्जी बनाती हैं उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज, दही, घर में बनी हुई मठरी को क्रश करें, ऐड करें, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करें और वो टेस्टी चाट आपके लिए है। आप छोले की चाट घर में एंजॉय कर सकती हैं। ये बड़े इंस्टेंट इजी आइडियाज हैं जो कि आपको स्वाद भी देंगे और आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। आशा करती हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी में हेल्दी तरीके से स्ट्रीट फूड को घर में ही इनोवेटिव तरीके से खाएंगी, हेल्दी रहेंगी और अपनी प्रेगनेंसी को पूरा ध्यान रखेंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।